हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बट मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, मेरे वॉइस से भी आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट यू नो एडिट दिस वीडियो। एंड फिर राघव का बर्थडे भी था बट मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं शूट किया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये सब के दौरान मैं कुछ, ये व्लॉग काफ़ी पुराना शूट किया हुआ है बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी बिकॉज माई हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल दैट। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग हमारे यू नो आप लोगों को पता है मेरे घर से थोड़े नज़दीक में एक मॉल है तो वहीं पे गए थे जस्ट बिकॉज राघव वांटेड टू हैव सम फन एंड यू नो अभी उसके समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गए तो इसीलिए। और आप लोग देख सकते हैं मॉल में कितनी रश भी है इस वक्त। इट वॉज नॉट वीकेंड बट स्टिल देयर वॉज अ ह्यूज रश ऑन मॉल। तो हम लोग गए थे मॉल और यहाँ पे वो सारे राइड्स यू नो मतलब इंजॉय करता है, खेलता है, कूदता है। उसको ना यहाँ पे फन जोन में ऊपर आना बहुत पसंद है तो इसलिए मैं भी उसके साथ आके बच्चे बन जाती हूँ बिकॉज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई रिलीव माय चाइल्डहुड विथ हिम। बिकॉज हमारे चाइल्डहुड में तो आप लोगों को पता है ये सब गेम्स नहीं होते थे। हम लोग तो लपा छुपी खेलते थे, खो खो खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, मतलब क्या क्या खेलते थे, मतलब बहुत मज़ा आता था। मुझे मेरा बचपन ज़्यादा पसंद है ऑनेस्टली बोलूँ तो। अब की जनरेशन का बचपन मुझे नहीं पसंद है। ये यू नो इस तरह के गेम्स, मोबाइल्स एंड गैजेट्स, ये वाले बचपन ना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो मेरा ही चाइल्डहुड सबसे बेस्ट लगता है। गर्मी की छुट्टियाँ, टेरेस पे जाके खेलना, मैदान में जाके खेलना एंड ऑल ऑफ दैट। आई रियली मिस दैट एंड आई यूज़ टू एंजॉय दैट एंड आई वांटेड टू गिव दिस टू माय चाइल्ड आल्सो। बट अब के बच्चे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो लेकिन आपको कैसा चाइल्डहुड पसंद है, अब की जनरेशन का या अपना वाला पुराना चाइल्डहुड? प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड फिर यहाँ पे देखिए हॉर्स राइडिंग कर रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठीक है, ये भी एक तरह का फनी है। बच्चे यू नो बोलते हैं ना कलयुग है तो कलयुग के अनुसार हर चीज़ें बदल रही हैं। और यहाँ पे हम लोग खूब सारे राइड्स इन्जॉय कर रहे हैं। राइड्स इन्जॉय करने के बाद आप लोगों को पता ही है, जैसे अगर आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो राघव को क्या खाना पसंद है और वो मॉल जाकर स्पेशली कुछ खाए या ना खाए एक चीज़ ज़रूरी खाता है। और जिसकी फरमाइश वो घर से ही करके निकला था कि मैं मॉल जाऊँगा तो मैं वही खाऊँगा। जी हाँ, फ्राइज़ की बात कर रही हूँ, इसमें क्या सस्पेंस रखना, आप सभी लोग जानते हो उसको फ्राइज़ बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह खाया, मैंने अपनी लेमन टी ली और वो शायद मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, नहीं किया शायद इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने चले गए। मुझे थोड़े कपड़े लेने थे बिकॉज़ हम लोगों को गाँव जाना है और थोड़े ऐसे खाने पीने का सामान वगैरह लेना था। तो यही सब लेने के लिए हम लोग नीचे गए और वो सब लेने के बाद फिर यहीं से ना लगकर मतलब मॉल से ही थोड़ी दूरी पर डी मार्ट है तो हम लोग डी मार्ट भी गए उस दिन बिकॉज डी मार्ट से भी मुझे कुछ लेना था। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेयर केस डी मार्ट की है। हाँ, देख रहे हैं, मैंने डी मार्ट से भी काफ़ी सामान लिया है। वहाँ से मुझे काफ़ी सामान पिक करना था, मतलब मुझे रीजनेबल लगा कंपैरेटिवली बिग बाज़ार से। डी मार्ट में चीज़ें मुझे कुछ चीज़ें मुझे मतलब ऐसे लगे कि रीजनेबल है और आई शुड गो टू डी मार्ट। और वो एकदम 5 मिनट्स वॉकिंग पे था तो आई वेंट देयर ऑल्सो। एंड यहाँ से मुझे स्पेशली एक बैग लेना था, जो बैग मुझे गाँव ले जाना है वो एक बैग लेना था और भी कुछ चीज़ें थी वो सब भी लेनी थी। और लाडो मेरे साथ वॉइस ओवर कर रही है तो वो ये देख रहे हैं आप लोग, इसलिए मैं बैग वाले सेक्शन में हूँ क्योंकि मुझे बैग लेना था। और वो उधर ब्लू कलर की बैग देख रही है ना, उसमें मैंने रेड कलर लिया है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। कई चीज़ें तो मैंने यूज़ भी कर डाली है बट कुछ नहीं, यूज़ की हुई चीज़ें भी दिखा दूँगी आप लोगों को। आप लोग तो मेरी फैमिली ही है। और डी मार्ट में ना राघव बहुत इन्जॉय करता है बिकॉज वहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, उनको लेके खूब खेलता कूदता है। और डी मार्ट में भी काफ़ी रश है बिकॉज सब लोग गाँव जाने की तैयारी में है, सब लोग ही काफ़ी शॉपिंग में लगे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे सामान मिल जाते हैं और ये एक सुपर मार्केट है आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, बोलते ना एक ही रूफ के नीचे आपको सब मिल जाता है। और ये देखिए राघव कितना इन्जॉय कर रहा है, मतलब उसको ना मतलब मैं ना वहाँ पर जाके निर्द्वंद हो जाती हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ खेल रहा होगा। और वो मेरे आसपास ही गाड़ियाँ लेके खेलता रहता है। उसके बाद हम लोगों को भूख लगी थी तो मैंने मेंदू वड़ा खाया और डोसा पार्सल करवाया और उसके बाद हम लोग घर चले गए। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। मिलती हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्दी अपने बहुत ही नए व्लॉग में एंड बाय गाइज़।